नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के आर एस पवन में। तो आज हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो मैच है प्रो कबड्डी लीग में खेला जाने वाला बंगाल वॉरियर्स और पुणे रिपल्टन के बीच। ये मैच दोस्तों बहुत ही रोमांचक मैच होने जा रहा है, जिसमें कि दो बेहतरीन टीमें आज अपने आमने सामने होंगी। जिसमें कि आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इसमें बंगाल वॉरियर जो अपना पिछला मैच हारी है हार चुकी है, तो वो अपनी जो है जीत प्राप्त करना चाहेगी इस मैच में और पॉइंट टेबल में आगे बढ़ना चाहेगी। और जो पुणे रिपल्टन है, वो टीम भी दोस्तों अपना पिछला मैच हारी है, तो वो भी अपनी जो है जीत हासिल करके पॉइंट टेबल में टॉप पे जाने की कोशिश जरूर करेगी दोस्तों। तो दोनों टीमें आप आज जो खेलेगी पूरी जी जान लगा के खेलेगी दोस्तों। तो आइए बात करते हैं इसके प्लेयर्स के बारे में, जो कि मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आज प्रदर्शन करने वाले हैं और कंटिन्यू अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो जो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मैंने 7 रखे हैं दोस्तों, तो इस प्रकार रहेंगे गिरीश मारुति जी, जो कि बहुत ही अच्छे डिफेंडर है दोस्तों और पिछले मैच में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए थे, मगर क्योंकि इनके पास लीडर्स की कमी है तो इसलिए ये अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। और दूसरे हैं दोस्तों सुरजीत सिंह, जो कि पिछले मैच में भी कुछ खास नहीं कर सके, परंतु इस मैच में ये जरूर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि नितिन तोमर जो कि पुणे रिपल्टन के एक बहुत ही अच्छे रेडर थे, उनके इंजर्ड होने से पुणे रिपल्टन का जो है रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत कमज़ोर हो गया है। बाकी रेडर्स इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे, तो इस मैच में उम्मीद है कि जो सुरजीत सिंह जी है ये अपना बेस्ट आज देंगे, जरूर सुपर सुपर 5 जरूर लगाएंगे दोस्तों। अगले जो प्लेयर रहेंगे दोस्तों, क्योंकि चार्टर्स बहुत कम बचते हैं, तो इसलिए इसलिए आप आदर्श टी को रख सकते हैं, क्योंकि जब भी इन्हें खेलने का मौका दिया जाता है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन करते हैं और पिछले मैच में भी इन्होंने 2 पॉइंट्स जरूर लिए थे। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं करते, बिल्कुल यदि इन्हें मौका दिया जाए तो ये बहुत ही अच्छी टैकल भी करते हैं, तो इन्हें टीम में रखा है दोस्तों। इनके अलावा ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में जो है दोस्तों संदीप नरवाल, पिछले मैच में भी दोस्तों इन्होंने अकेले ऑलराउंडर हैं जो इतना पुणे रिपल्टन के हैं, जो अपने दम पे अच्छा प्रदर्शन करते जा रहे हैं लगातार, जिससे कि पुणे रिपल्टन कुछ सम्मानजनक प्रदर्शन कर रही है दोस्तों। तो पिछले मैच में भी इन्होंने 7 पॉइंट अर्जित किए थे। इसके अलावा दोस्तों यदि आप रण सिंह जी को रखना चाहते हैं, मगर उसके लिए क्रेडिट नहीं बचते दोस्तों इसमें, तो यदि आप रण सिंह जी को रखना चाहते हैं तो आप रण सिंह को भी रख सकते हैं दोस्तों। और इनके अलावा जो रहेंगे दोस्तों रेडिंग डिपार्टमेंट में रहेंगे, तो वो रहेंगे बंगाल वॉरियर के महेंद्र सिंह को मैंने रखा है और बंगाल वॉरियर की ही चेन कुंडली को रखा है, क्योंकि दोनों ही लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। पिछले मैच में भी भले ही अपनी टीम को जीतना दिला सके हूँ, मगर इन दोनों ने रेडिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था दोस्तों। और इनके अलावा मैं रखूँगा इसके अलावा अक्षय जाधव, जो कि अच्छी रीडिंग कर रहे हैं और इनका भी प्रदर्शन बहुत बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा, मगर अच्छा ज़रूर रहता है दोस्तों। ये भी पूरे जी जान लगा के खेलते हैं। तो ये थे जो मैंने अपने सुपर 7 7 प्लेयर्स रखे हैं दोस्तों। आप इनमें कोई बदलाव कर सकते हैं, जैसे आप अक्षय यादव की जगह दीपक कुमार को भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे रेडर हैं, महेश गौड़ को भी रख सकते हैं, जी बी मोरे भी अच्छे प्लेयर हैं दोस्तों, क्योंकि क्रेडिट्स पूरे नहीं होते, तो दोस्तों इसलिए मैंने अक्षय यादव को यहाँ पर रखा है दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने इस चैनल को अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल गया, कैप्टन और वाइस कैप्टन। कैप्टन जो इस मैच में मैंने रखा है दोस्तों, वो रहेंगे मनिंदर सिंह, और वाइस कैप्टन जो मैं सजेस्ट करूंगा तो दोस्तों संदीप नरवाल, क्योंकि बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, हर मैच में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। तो मनिंदर सिंह, या इसके अलावा आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कैप्टन आप रख सकते हैं संदीप नरवाल को और वाइस कैप्टन सुरजीत सिंह को, तो जो आपको सही लगता है दोस्तों
आपके हिसाब से जो अच्छा खेलेगा, क्योंकि मुझे तो लगता है कि संदीप नरवाल आज भी अपने प्रदर्शन को कंटिन्यू करेंगे जितना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, और सुरजीत सिंह तो आज जरूर अपना सुपर 5 जरूर पाएंगे, आज अपना जरूर अपना सुपर 5 लगाएंगे दोस्तों। तो मनिंदर नरवाल में से आप मनिंदर नरवाल और संदीप माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, मनिंदर सिंह और संदीप नरवाल में से आप किसी भी को कैप्टन बना लीजिएगा, और दूसरे को वाइस कैप्टन आप रख सकते हैं। जैसे संदीप नरवाल को आप अपना कैप्टन बना दीजिए और मनिंदर सिंह को अपना वाइस कैप्टन बना सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अब एक बार दोबारा कहना चाहूँगा, प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।